डिस्क्लेमर, इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया है और सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए ये पता लगाने की कोशिश किया है कि क्यों MS-3 को खोजा नहीं जा सका और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हुआ था उस प्लेन के साथ। तो कृपया इस वीडियो को देखते वक्त दिमाग से काम ले, ना कि दिल से। धन्यवाद। हे गाइज, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लेन की मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे जो 8 मार्च 2014 को टेक ऑफ किया और फिर कभी ये लैंड नहीं हुआ और ना ही इसका कोई सबूत आज तक हमें मिल पाया। इस प्लेन के बारे में आपने कई सारी मनगढ़ंत कहानियाँ और अफवाहें सुन रखा होगा, पर आज की इस वीडियो में हम हर एक मोमेंट को प्रूफ और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था MS-370 के साथ, क्या हुआ था उन यात्रियों के साथ, क्या ये घटना महज एक इत्तेफाक था या कोई सोची समझी साजिश, और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों इसे आज तक खोजा नहीं जा सका। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 8 मार्च 2014 से। कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलेशियन एयरलाइन MS-370 उड़ान भरा। इस प्लेन में 227 पैसेंजर्स सवार थे। उड़ान के लगभग 40 मिनट बाद MS-370 वियतनाम के एरिया में एंटर कर रहा था, इसीलिए मलेशियन ATC ने प्लेन को वियतनाम ATC को हैंडओवर कर दिया। इसके बाद मलेशियन ATC गुड नाइट विश करते हुए MS-3 को अलविदा कहा। अब क्योंकि प्लेन वियतनाम के एरिया में दाखिल हो चुका था, इसलिए वियतनाम ATC MS-370 को आगे का इंस्ट्रक्शंस देने वाला था, पर अफसोस बार बार कांटेक्ट करने के बावजूद भी वियतनाम ATC प्लेन के साथ संपर्क नहीं कर पा रहा था। वक्त बीतता गया पर MS-3 मलेशियन ATC से संपर्क टूटने के बाद दोबारा किसी से भी संपर्क नहीं कर पाया और उड़ान के महज 42 मिनट बाद ये गायब हो गया। किसी भी प्लेन को गायब तब माना जाता है जब उस प्लेन का ट्रांसपोंडर और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम सिग्नल को ट्रांसमिट करना बंद कर देता है, पर MS-3 के साथ क्या हुआ था ये बात किसी को भी नहीं पता था। कुछ घंटों बाद एक रेस्क्यू टीम भी उस लोकेशन पर भेजा गया जहां पर पायलट ने आखिरी बार मलेशियन ATC को गुड नाइट विश किया था। कुछ ही घंटों में घटनास्थल का कोना कोना छान मार लिया गया, पर प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। दोस्तों, एक प्लेन में बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पानी में आसानी से तैर सकता था। अगर प्लेन पानी में क्रैश हुआ था तो कुछ ना कुछ सबूत हाथ जरूर लगेगा। इसी सोच के साथ कुछ फाइटर प्लेन्स को समुद्र की छानबीन करने के लिए भेजा गया। इसके अलावा कई सारे शिप्स भी पानी के रास्ते प्लेन को खोजने निकल पड़ा, पर फिर भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। घटना के 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसा सबूत मिला जिसने सबका दिमाग चकरा दिया। मलेशियन एयरफोर्स के मिलिट्री रडार के डाटा से ये पता चला कि प्लेन अपने डेस्टिनेशन में न जाके प्लेन को विशाल समुद्र की ओर मोड़ दिया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स को अब समझ में आ चुका था कि जहाँ पर हम प्लेन को 3 दिनों से खोज रहे थे, दरअसल वहाँ पर कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद करके प्लेन लगभग 190 डिग्री लेफ्ट की ओर मुड़ चुका था और कुछ दूर फ्लाई करने के बाद ये इंडियन ओशन की तरफ मुड़ गया। सभी के मन में अब एक ही सवाल आने लगा कि क्या प्लेन हाईजैक हो चुका था, क्या टेररिस्ट ने जबरदस्ती प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ा और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हर एक पैसेंजर का बैकग्राउंड चेक किया गया, पर इसमें भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। प्लेन में बैठे सभी 227 पैसेंजर्स में से कोई भी ऐसे आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था जो प्लेन को हाईजैक कर सकता था। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा था ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ MS-370 के साथ। पर सच तो ये था कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब इन्वेस्टिगेटर्स को कोई भी सुराग नहीं मिला, न प्लेन का कोई मलबा मिला और ना ही इस प्लेन का कोई लोकेशन मिला। मिलिट्री रडार के अनुसार प्लेन मुड़ के इंडियन ओशन की तरफ तब तक फ्लाई करता रहा जब तक कि ये रडार के रेंज से बाहर न चला गया। अब प्लेन एक विशाल समुद्र की ओर जा चुका था जहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी था। खोजी दल को अब बंगाल की खाड़ी से लेकर भारतीय सीमा तक अच्छे से छानबीन करना था और इतने बड़े एरिया में छानबीन करने में भी बहुत सारा वक्त लगने वाला था।
और इतने बड़े एरिया में छानबीन करने के लिए ढेर सारा वक्त भी लगने वाला था। घटना के 16 दिन बाद फिर से एक सबूत मिला। इस बार प्लेन का सिग्नल किसी रडार ने नहीं बल्कि एक सैटेलाइट ने कैप्चर किया था। भारतीय समुद्र में प्लेन तेजी से टकराया था जिससे कि पानी में एक लहर बन गया था। समुद्र के पानी में हुए इस बदलाव को सैटेलाइट के द्वारा भी कैप्चर कर लिया गया। इस सैटेलाइट से मिले डाटा के अनुसार प्लेन के गायब होने के बाद भी ये 6 घंटों तक लगातार फ्लाई करता रहा और फाइनली ये इंडियन ओशन में जाके क्रैश हो गया। पर हैरानी की बात तो ये थी कि घटना स्थल का चप्पा चप्पा छान मार लेने के बाद भी प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। प्लेन को खोजते खोजते कई महीने गुजर गया, कई साल गुजर गया, पर फिर भी प्लेन का कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा और आखिरकार इस केस को बंद कर दिया गया। MS3 की मिस्टीरियस कहानी यहीं पर खत्म होती है और यहीं से शुरू होता है हमारा केस स्टडी। दोस्तों, दुनिया में कई सारे प्लेन क्रैश हो चुका है और हर बार इसके पीछे की घटना का पता चल जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये इतिहास की एक ऐसी घटना थी जब इन्वेस्टिगेटर्स को खाली हाथ वापस आना पड़ा। इसका मतलब साफ था कि ये प्लेन क्रैश आमतौर पर हुई घटनाओं से बिल्कुल भी अलग था। इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं MS3 के उड़ान के 42 मिनट बाद से, जब मलेशियन ATC प्लेन के कंट्रोल को वियतनाम ATC को हैंडओवर कर देता है। पर वियतनाम ATC MS370 के साथ लाख कोशिशों के बावजूद भी संपर्क नहीं बना पाता। ऐसा सिर्फ 2 कारणों से हो सकता है, या तो प्लेन का ट्रांसपोंडर खराब हो गया हो या फिर इसे जानबूझकर बंद कर दिया गया हो। ट्रांसपोंडर एक ऐसा डिवाइस होता है जो ग्राउंड के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को रिसीव करके वापस उसे सिग्नल्स भेजता है जिससे कि प्लेन का लोकेशन पता चलता रहता है। इस प्लेन से कोई भी सिग्नल ना आना, साथ ही साथ ग्राउंड के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। MS-370 एक आधुनिक प्लेन था। इस प्लेन में LF, HF, VLF रेडियोज के अलावा सैटेलाइट टेलीफोनिक और डाटा लिंक सिस्टम भी था। सीधे शब्दों में कहें तो इस प्लेन में 4 से भी अधिक तरीका था ATC से संपर्क बनाने के लिए, और सारे के सारे सिस्टम्स एक साथ खराब हो जाए, ऐसा आज तक एविएशन के हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है जब से इंसानों ने पहला प्लेन बनाया है तब से। मतलब साफ था, प्लेन में कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया या जबरदस्ती बंद करा दिया गया होगा। अब प्लेन गायब हो चुका था। कभी कभी कम्युनिकेशन सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, पर कुछ ही मिनट्स में प्लेन से दोबारा संपर्क बना लिया जाता है। पर MS-370 के साथ ऐसा नहीं हुआ। प्लेन के डायरेक्शन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई प्लेन का हिस्सा डैमेज हो गया हो जिसकी वजह से प्लेन के डायरेक्शन में इतना बड़ा बदलाव हो जाए? दोस्तों, प्लेन के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, इंजन खराब हो जाए या इंजन ब्लास्ट हो जाए या दोनों के दोनों जेट इंजन में आग लग जाए या कुछ भी हो जाए, प्लेन के डायरेक्शन में इतना बड़ा बदलाव हो पाना इम्पॉसिबल है जब तक कि इसे जानबूझकर इसके डायरेक्शन को मोड़ा ना जाए। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि प्लेन मुड़ने के बाद भी 6 घंटों तक लगातार उड़ान भरता रहा। इसका ये मतलब था कि प्लेन मुड़ने के बाद भी सही कंडीशन में था और जानबूझकर इसे मोड़ा गया होगा। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच जाता है, या तो पायलट खुद प्लेन के डायरेक्शन को बदल रहा होगा या फिर प्लेन हाईजैक हो चुका होगा। बात करते हैं प्लेन हाईजैक की। टेररिस्ट आमतौर पर प्लेन हाईजैक या तो आतंक फैलाने के लिए करता है या फिर गवर्नमेंट से कोई मांग करने के लिए। अगर आतंक ही फैलाना होता तो वो प्लेन को सीधे किसी शहरी इलाके में क्रैश करा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। और अगर उसका मकसद कुछ मांग करना होता तो टेररिस्ट गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट जरूर करता, पर किसी ने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। इसके अलावा प्लेन के ट्रांसपोंडर में ये भी फीचर्स होता है कि 7700 कोड को प्रेस करके डायरेक्ट ATC को सिग्नल्स भेज सकता है कि हम मुसीबत में हैं, वो भी बिना बात किए, ताकि हाईजैकर्स को कोई भी शक ना हो। पर ATC को कोई भी सिग्नल नहीं मिला। इसके अलावा प्लेन में बैठे हर एक पैसेंजर्स का बैकग्राउंड भी पता किया गया, पर कोई भी यात्री आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था। नाउ अब इस प्लेन में एक ही इंसान था जिसने जानबूझकर इस प्लेन के साथ ऐसा किया होगा,
और वो था पायलट। जी हाँ, सही सुना आपने, वो पायलट ही था जिसने प्लेन को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया। मेरा ये शक यकीन में तब बदला जब पायलट ने प्लेन को काफ़ी एक्यूरेसी से मोड़ा और मिलिट्री रडार से बचाते हुए थाईलैंड और मलेशिया के ठीक बीचों बीच से प्लेन को गुजारा। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हम देख सकते हैं कि ये प्लेन जिस रास्ते से गुजरा था वो ठीक मलेशिया और थाईलैंड का बॉर्डर था। मतलब साफ था कि पायलट नहीं चाहता था कि उसके लोकेशन को कोई जान पाए, वो प्लेन को गायब ही रखना चाहता था। इसलिए उसने प्लेन को मलेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर से होकर गुजारा ताकि ये प्लेन ना तो मलेशिया और ना ही थाईलैंड के रडार में नजर आए। इसके बाद प्लेन छुपते छिपाते तकरीबन 104 किलोमीटर फ्लाई करता रहा और फिर नॉर्थ वेस्ट के तरफ मुड़ गया। इसका मतलब साफ था कि इतनी एक्यूरेसी से पायलट के अलावा प्लेन को और कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था, और वो भी बिना ATC के मदद लिए। दोस्तों, हम अपने आसपास पेड़ पौधे, घर और तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जिससे हमें दिशा का अंदाजा हो जाता है, पर हाई एल्टीट्यूड में खुला आसमान के अलावा और कुछ भी नहीं होता है जिसे देखकर दिशा का अंदाजा लगाया जा सके, और बिना ATC के हेल्प लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन था। यानी कि पायलट ने पहले ही पूरा प्लान कर लिया होगा कि कब प्लेन के दिशा को मोड़ना है, कितना डिग्री में मोड़ना है और कितनी दूरी तक फ्लाई करना है। पायलट सबसे छिपते छुपाते प्लेन को किसी खास जगह में ले जाना चाहता था जहां पर वो इसे क्रैश करा सके। अब यहां पर सवाल आता है कि प्लेन में तो दो पायलट्स होते हैं, तो क्या दूसरे पायलट ने उसे ऐसा करने से रोका नहीं? वेल, इसे समझने के लिए हमें प्लेन के अंदर पायलट के गतिविधियों को समझना पड़ेगा। नॉर्मली जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो पायलट्स को ढेर सारे कंट्रोल्स, रूल्स और ATC के द्वारा दिए जा रहे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। इसी चक्कर में पायलट्स के पास खाली वक्त ही नहीं होता, पर ऐसा सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ही होता है। और एक बार अगर प्लेन टेक ऑफ करके अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक पहुंच जाता है तब पायलट्स को थोड़ा बहुत खाली वक्त मिल जाता है, और अक्सर इस खाली समय में दोनों में से एक पायलट चाय, कॉफ़ी या नाश्ता के लिए बाहर जाते हैं और एक पायलट कॉकपिट में ही बैठा रहता है। नाउ MS-3 के कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। प्लेन अच्छे से टेक ऑफ किया, ATC के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और लगभग 40 मिनट बाद ये प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ATC और पायलट ने एक दूसरे को गुड नाइट विश भी किया। इसके बाद पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट में सेट कर दिया। नाउ अब दोनों पायलट को खाली वक्त मिल गया होगा। दोनों में से एक पायलट कॉफी के लिए बाहर गया होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पायलट्स केबिन क्रू को ऑर्डर कर देता है और केबिन क्रू कॉफी कॉकपिट तक पहुंचा देती है। अगर मैं यहां तक सही हूं और सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए यहां पर गौर किया जाए तो इस बात की संभावना सबसे अधिक है कि कैप्टन ने जूनियर पायलट को कहा होगा कॉफी लाने के लिए, और जैसे ही मलेशियन ATC प्लेन से डिस्कनेक्ट हुआ वैसे ही कैप्टन ने डोर को लॉक कर दिया और प्लेन का डायरेक्शन मोड़ के विशाल समुद्र की ओर ले गया। नाउ यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या कोपायलट कॉकपिट के डोर को ओपन नहीं कर सकता था? वेल, इसे समझने के लिए हमें कॉकपिट के डोर के बनावट को समझना पड़ेगा। कॉकपिट के डोर को काफ़ी सिक्योर रखा जाता है ताकि कोई भी गलत इरादे से कॉकपिट में घुस के प्लेन को हाईजैक ना कर पाए। किसी भी प्लेन के डोर को ओपन या लॉक करने के तरीकों के बारे में गूगल में भी आपको जानकारी नहीं मिलेगा क्योंकि इसे प्राइवेट रखा जाता है और कंपनी इस प्राइवेसी को जरूरत के साथ साथ अपडेट भी करता रहता है। इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। प्लेन के डोर को बाहर से ओपन करने के लिए पायलट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक लॉक का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि डोर के बाहरी साइड कोई भी हैंडल नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक लॉक को ओपन करने के लिए पायलट्स के पास एक कोड होता है जिसे इंटर करके पायलट बाहर से डोर को ओपन कर सकता है। इस कोड पैनल को कॉकपिट से डिसेबल भी किया जा सकता है, यानी कि इस कोड पैनल को डिसेबल करने के बाद बाहर से कोड को इंटर करने के बाद भी डोर को नहीं खोल सकता। डिसेबल के बाद इस डोर को सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। ऐसा सिस्टम इसीलिए रखा जाता है क्योंकि इनकेस अगर प्लेन का हाईजैक होने का खतरा हो तो इलेक्ट्रॉनिक डोर को डिसेबल करके किसी भी तरह से इस डोर को ओपन करने से रोका जा सकता है। MH-3 के हादसे के पीछे इस कोड पैनल का बहुत बड़ा हाथ था।
कैप्टन के कहने पर या अपनी मर्जी से, कारण कोई भी हो सकता है, कोपायलट कॉकपिट से बाहर गया होगा और इसके बाद कैप्टन ने इलेक्ट्रिक लॉक को डिसेबल कर दिया ताकि किसी भी तरीके से इसे ओपन ना किया जा सके। और इस तरह से प्लेन का पूरा कंट्रोल कैप्टन के हाथों में आ गया और उसने प्लेन को गायब करके क्रैश कराने का डिसीजन लिया। दोस्तों, ये प्लेन आज के दौर का आधुनिक प्लेन था और इसमें इंटरनेट की फैसिलिटीज भी उपलब्ध था। अगर पायलट का इरादा प्लेन को क्रैश कराने का था तो देर सवेर पैसेंजर्स को भी ये बात पता चल गया होगा, तो फिर क्यों प्लेन में बैठे 227 पैसेंजर्स में से किसी ने भी इंटरनेट की मदद से कॉल या मैसेज नहीं किया? क्या प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स उस वक्त सुरक्षित थे या नहीं? अगर प्लेन का कैप्टन छिपते छिपाते प्लेन को अगर इतनी दूरी तक ला सकता था, अगर कैप्टन नहीं चाहता था कि कोई उसे ट्रैक कर सके या उसके लोकेशन को जान पाए, तो कैप्टन ये भी नहीं चाहेगा कि कोई भी पैसेंजर अपने रिलेटिव्स को कॉल या मैसेज करे। और कैप्टन के पास तो इन सारे पैसेंजर्स को चुप कराने का एक रास्ता भी था, और वो था केबिन में ऑक्सीजन का सप्लाई को रोक देना। नाउ यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं बार बार ब्लेम कैप्टन को ही क्यों दे रहा हूँ। हो सकता है इस घटना को अंजाम को पायलट ने दिया हो। खैर, आपका सोचना बिल्कुल भी जायज है और वीडियो के अंत में मैं इसे प्रूफ के साथ साबित भी कर दूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैप्टन ने केबिन में बैठे सारे पैसेंजर्स का मुंह बंद करने के लिए केबिन में ऑक्सीजन सप्लाई को ही रोक दिया। कॉकपिट में एयर सप्लाई को कम या अधिक करने का भी ऑप्शन होता है, जैसा कि हमने घोस्ट प्लेन के केस स्टडी के दौरान जाना था, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन और प्रेशर का लेवल कम हो जाता है, इसीलिए केबिन का एयर आउटफ्लो बल्ब के जरिए बाहर निकल गया होगा और यात्रियों का धीरे धीरे दम घुटना शुरू होने लगा होगा। सभी यात्री अपना कॉन्शियसनेस खोने लगे होंगे और ऐसे कंडीशन में इंसान कुछ भी सोचने या डिसीजन लेने लायक नहीं होता। सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी इतना होश में नहीं था कि वो किसी को कॉल या मैसेज कर सके। अब कैप्टन प्लेन को उसी जगह पर ले जा चुका था जहां पर मीलों तक सन्नाटा था और सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ था। अब वक्त आ चुका था सारे अधमरे पैसेंजर्स की जान लेने की। पायलट पिछले 6 घंटों से छिपते छिपाते समुद्र के बीचों बीच सुसाइड करने के लिए तैयार हो चुका था। पायलट के सुसाइड का शक यकीन में तब बदलेगा जब हम सैटेलाइट के डाटा को गहराई से जांच करेंगे। इतिहास गवाह है कि प्लेन को कम से कम डैमेज के साथ वाटर लैंडिंग यानी कि पानी में लैंड कराया जा सकता है, और इसका जीता जाता एग्जाम्पल US एयरवेज फ्लाइट 1549 है, जिसे सुरक्षित एक नदी में लैंड करा दिया गया था जिसमें कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। फ्लाइट 916 जिसे हाईजैक कर लिया गया था, इसे भी समुद्र में लैंड करा दिया गया जिसमें 46 लोग घायल हो चुके थे और 50 लोगों ने सरवाइव कर लिया था। ऐसे न जाने कितने ही एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताता है कि प्लेन को इमरजेंसी कंडीशन में पानी में भी लैंड कराया जा सकता है। और इस पर हमने एक वीडियो में डिटेल में जाना था कि पानी में प्लेन को कैसे कम डैमेज के साथ लैंड कराया जाता है। ये घटनाएं हमें बताती है कि पायलट अगर चाहता तो प्लेन को कम डैमेज के साथ समुद्र में लैंड करा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। MS-370 कुछ ऐसे क्रैश हुआ कि इसका मलबा भी नहीं मिल पाया। पर क्यों इस प्लेन के टुकड़े समुद्र में नहीं मिला, इसे भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सैटेलाइट से मिले डाटा के अनुसार प्लेन और पानी का जब टक्कर हुआ तो प्लेन पानी को घसीटते हुए कई मीटर्स दूर ले गया और इसने एक इतनी बड़ी लहर को जन्म दिया कि इसे सैटेलाइट ने भी कैप्चर कर लिया, जिसका फुटेज आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस सैटेलाइट का फुटेज इस बात का सबूत है कि प्लेन सुपरसोनिक स्पीड से नीचे गिरा होगा ठीक वर्टिकली, और प्लेन के टक्कर के तुरंत बाद ही इतना बड़ा प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया होगा, लगभग 1 से 2 मिलियन टुकड़ों में। एक प्लेन का मिलियंस टुकड़ों में बिखर जाना ये तभी संभव हो सकता है जब प्लेन को फुल स्पीड से ठीक वर्टिकली नीचे गिराया जा रहा हो। ऐसे कंडीशन में प्लेन साउंड की स्पीड को भी मात देते हुए पानी से टकरा जाएगा और प्लेन इतने टुकड़ों में बिखर जाएगा कि इसे खोज पाना नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए समुद्र का कोना कोना छान मार लेने के बावजूद भी प्लेन का कोई भी मलबा नहीं मिला।
और इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ कि MS-370 के इन्वेस्टिगेटर्स का शक भी कैप्टन की ओर ही गया था। इसीलिए इस घटना के कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने दोनों पायलट के बैकग्राउंड की छानबीन करने के लिए मलेशियन पुलिस से भी कॉन्टेक्ट किया था। प्लेन को कैप्टन जहारी अहमद शाह और को पायलट फारिक अब्दुल हमीद उड़ा रहे थे। पुलिस इन दोनों के घर पहुंचा और छानबीन करना शुरू कर दिया। को पायलट फारिक अब्दुल हमीद ने 20 साल की उम्र में 2007 में मलेशियन एयरलाइन को ज्वाइन किया था और इन्होंने सिर्फ 6 बार ही एज अ को पायलट उड़ान भरा था। को पायलट अपने काम के प्रति काफी सीरियस था और उसका व्यवहार भी ठीक पाया गया। लेकिन कैप्टन का केस कुछ उल्टा ही निकला। MS-370 के शादीशुदा कैप्टन पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था, क्योंकि उसका अपने पत्नी के अलावा और भी दूसरों के साथ संबंध था। ये बात कैप्टन जहारी के पत्नी को भी पता चल गया और अक्सर इसी बात पर लड़ाई होता रहा। और फाइनली MS-370 के उड़ान के एक दिन पहले उसके पत्नी और बेटे ने घर छोड़ दिया। उस दिन कैप्टन का पूरा दिन डिप्रेशन में ही गुजरा और उसी दिन उसने MS-370 को गायब करने का प्लान बनाया और अगले ही दिन MS-370 उड़ान भरा और उड़ान के 40 मिनट बाद कोपायलट को कॉकपिट से बाहर भेज दिया। डोर को लॉक करके ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया और प्लान के अनुसार बॉर्डर के बीचों बीच से होते हुए प्लेन को 104 किलोमीटर तक ले गया ताकि उसे कोई भी रडार देख ना पाए और रेस्क्यू टीम उसे उसी जगह पर खोजता रहे जहां पर प्लेन गायब हुआ था, और तब तक प्लेन उस लोकेशन से दूर निकल गया। इसके बाद कैप्टन ने 6 घंटों के सफर में प्लेन को एक विशाल समुद्र में ले गया जहां पर मीलों तक सिर्फ पानी और सन्नाटा था। इसके बाद प्लेन को वर्टिकली साउंड के स्पीड से क्रैश करा दिया और देखते ही देखते प्लेन मिलियन टुकड़ों में बिखर गया। ऐसे में प्लेन का सबूत मिलता भी तो कैसे मिलता। रेस्क्यू टीम सही लोकेशन को जान ही नहीं पाया और जब तक सही लोकेशन का पता चल पाया और तब तक बहुत देर हो चुका था। कई महीनों तक समुद्र में इस प्लेन को खोजा गया इस उम्मीद के साथ कि कोई तो सबूत जरूर मिलेगा, पर अफसोस प्लेन मिलियन टुकड़ों में बिखर चुका था और इतने छोटे टुकड़ों को विशाल समुद्र में खोज पाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए तो ये प्लेन दुनिया के नज़रों में एक मिस्ट्री बन के रह गया। पर मुझे नहीं लगता कि ये एक मिस्ट्री है, मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी। मर्डर किया गया उन सभी 227 पैसेंजर्स की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है और अगर आप चाहते हैं कि वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट लाया जाए तो आप हमें पेटीएम में डोनेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।